आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टूटी फ्रूटी आइसक्रीम की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो मेरी प्रिय सहेलियों, मैं तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रो विद किचन में। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें हम ये 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे और दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 teaspoon वेनिला एसेंस डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक दूसरा मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें 1/2 cup व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। अब हम इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से विस्क करेंगे। इसे हम 2 मिनट तक विस्क करेंगे। पहले 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे। अब हम इसको भी ब्लेंडर की हेल्प से मिक्स कर देंगे। व्हिपिंग क्रीम में चीनी मिक्स हो गई है और अब हम इसमें जो हमने मिल्क पाउडर का लिक्विड तैयार किया था उसे डालेंगे। मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से विस्क कर दिया और इसे हल्की सी सॉफ्ट पीक आने तक व्हिप करेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी डालेंगे। अब हम टूटी फ्रूटी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम एक कांच का बाउल लेंगे और उसमें जो हमने आइसक्रीम के लिए पेस्ट तैयार किया था उसे ट्रांसफर कर देंगे। मैंने सारा मिक्सचर बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और अब हम इसके नीचे एक हैंकी रखेंगे और इसे टैप टैप करके सेट कर देंगे। अब हम इसमें ऊपर से भी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर देंगे। मैंने इसे टूटी फ्रूटी से गार्निश कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे लगभग 8 घंटे या पूरी रात के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आइसक्रीम सेट हो गई है और मैंने इसे फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे स्कूप से निकाल के सर्व करेंगे। लीजिए, हमारी टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। अब आप भी इसे बनाइए और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट पढ़ना और उनके रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।